मध्य प्रदेश में अब चंद माह बाद ही विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजना है। ऐसे में भाजपा द्वारा प्रदेश में 51% मतों के साथ ही इस बार भी 200 पार से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए पार्टी द्वारा लगातार कार्यकर्ताओं को अब की बार 200 पर का नारा दिया जा रहा है। इसी बीच पार्टी से लेकर संघ द्वारा जो सर्वे कराए हैं, उन्हें पार्टी के सामने बड़े संकट की आहट ही सामने आ रही है। इसकी वजह है, किसी भी सर्वे में अब तक सत्ता में वापसी के लिए जरूरी आंकड़ा का पहुंचना आसान नहीं बताया गया है। यही नहीं, जो संभावित जीत के आंकड़े बताए जा रहे हैं, उनमें 60 से लेकर 80 सीटें ही भाजपा को मिलकी बताई जा रही है। यही वजह है कि अब इस मामले में पर्दे के पीछे से पूरी तरह संघ सक्रिय हो गया है। बताया जा रहा है कि संघ द्वारा दी गई सूची में उन 57 सीटों के भी नाम हैं, जिन पर अभी भाजपा विधायक हैं और उन पर पार्टी की हार तय मानी जा रही है। इसके साथ ही बताया गया है कि अभी की स्थिति में भाजपा अपने कब्जे वाली 127 सीटों में से 70 सीटों पर ही जीतने की स्थिति में है। इस हिसाब से देखें तो अभी भाजपा 200 तो ठीक, इसकी आधी सीटों पर भी जीत दर्ज करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल भाजपा द्वारा 3 सर्वे और संघ द्वारा करीब आधा दर्जन बार सर्वे कराया जा चुका है। इन सभी में हर बार स्थिति पहले से अधिक खराब होती बताई जा रही है। भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर, सुसनेर, आगर, शाजापुर, कालापीपल, सोनकच्छ, बुरहानपुर, भीकनगाम, बड़वा, महेश्वर, शिवपुर, सबलगढ़, सुमावली, मुरैना, भिंड, लाहर, गोहद, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार, डबरा, सेवड़ा, करेरा, पिछोर, चाचौड़ा, राधौगढ़, चंदेरी, देवरी, बंडा, महाराजपुर, राजनगर, छतरपुर, बिजावर, पथरिया, दमोह, गोनेर, चित्रकूट, रेगाम, सतना, सिहावल, कोतमा, पुष्पराजगढ़, बड़वारा, बरगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर पश्चिम, शाहपुरा, डिंडोरी, बिछिया, निवास, बैहर, लांजी, वारासिवनी, कटंगी, बरघाट, लखनादौन, गोटेगाम, तेंदुखेड़ा, गाडरवारा, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, छिंदवाड़ा, परासिया, मुल्ताई, बैतूल, घोड़ा डोंगरी, उदयपुर, विदिशा, कसरावद, खरगोन, भगवानपुरा, पानसेमल, अलीराजपुर, झाबुआ, पेटलावद, सरदारपुर, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी, देपालपुर, इंदौर क्रमांक 1, नागदा, तराना, बड़नगर, सैलाना और आलोट की सीट पर भाजपा सर्वे अनुसार पीछे है। भाजपा वर्तमान समय में जिन 127 सीटों पर काबिज है, उनमें से 57 सीटों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। यह सीटें हैं विजयपुर, जोरा, अंबा, महगांव, ग्वालियर, भांडेर, पोहरी, कोलारस, बमोरी, गुना, अशोकनगर, मुंगावली, बीना, नरियावली, टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा, पृथ्वीपुर, खरगापुर, चंदला, मलहरा, जबेरा, पवई, नागौर, अमरपाटन, रामपुर, बघेलान, देवतालाब, चुरहट, सीधी, सिंगरौली, बमौहरी, अनूपपुर, मुरवारा, सिहोरा, मंडला, परसवाड़ा, आमला, तिमरनी, सिवनी, मालवा, सांची, बासौदा, हाटपिपलिया, मतदाता, पंधाना, नेपानगर, बड़वानी, जोबट, धार, बदनावर, इंदौर क्रमांक 5, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, रतलाम ग्रामीण, जावरा, सुवासरा, मनासा, नीमच आदि ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा की स्थिति काफी कमजोर बताई जा रही है। प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का आलम यह है कि उपचुनाव वाली सीटों पर भी पार्टी की स्थिति खराब बताई जा रही है।
दरअसल 2020 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 2018 में हारी जिन 21 सीटों जोरा अम्बा, महगांव, ग्वालियर, भांडेर, बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुर्खी, पृथ्वीपुर, बड़ाम लहरा, अनूपपुर, सांची, हाट पिपलिया, मंधाता, नेपानगर, जोबट, बदनावर, सामवेर और सुवासरा सीटों को जीता था, लेकिन उन पर भी अभी से संघर्ष की स्थिति बताई जा रही है। अभी तक जो खबर है, कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई।